बीएससी पार्ट थर्ड में अपन ने पिछली क्लास में पढ़ा था ग्रिगनार्ड रिएजेंट, ग्रिगनार्ड अभिक्रमक आरएमजीएक्स को बनाने की विधियां, उसकी संरचना, भौतिक गुण और रासायनिक गुण पढ़ रहे थे, जिसमें अपन ने अलग अलग अभिक्रिया ली थी, जेरेविटिन ऑफ अभिक्रिया एल्केन बनाने की। उसके बाद में अपन ने लिया था एल्कोहल का निर्माण, जिसमें प्राइमरी अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल और टर्शरी अल्कोहल का निर्माण किस तरह से किया जाता है, वो अलग अलग अभिक्रियाएं अपन ने पढ़ी थी। अब अपन आज के क्लास में लेंगे इम्पोर्टेंट केमिकल रिएक्शंस ऑफ ग्रिगनार्ड रिएजेंट, सिंथेसिस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड यानी एल्डिहाइड कीटोन का निर्माण, सिंथेसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक अम्लों का निर्माण। ये अभिक्रियाएं होती है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाएं। तो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रियाओं के अंतर्गत कार्बोनिल कंपाउंड एल्डिहाइड कीटोन का निर्माण, कार्बोक्सिलिक एसिड RCOOH एसिड का फॉर्मेशन, इसके बारे में अपन पढ़ेंगे। सिंथेसिस ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड्स, फर्स्ट लेते हैं सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड, एल्डिहाइड का संश्लेषण। इसमें अपन लेते हैं रिएक्शन विद HCN हाइड्रोजन साइनाइड, CH3MgBr प्लस HC ट्रिपल बॉन्ड N। इसमें देखो CH3MgBr में Mg पर आएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, CH3 पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज। C डबल बॉन्ड N में En अधिक है नाइट्रोजन की, तो उस पर आएगा पार्शियली नेगेटिव और कार्बन पर आएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। अब नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के अंतर्गत कार्बन पर अटैक करेगा CH3 और बाकी का MgBr जाके जुड़ जाएगा नाइट्रोजन से, तो बीच में योगात्मक यौगिक बना HCCH3 डबल बॉन्ड NMgBr। अब इस बने हुए यौगिक का जब जल अपघटन हाइड्रोलाइसिस कराया जाता है, तो डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड N की जगह से इसे तोड़ना है, H2 जुड़ेगा नाइट्रोजन के साथ और ऑक्सीजन जुड़ेगा कार्बन के साथ, तो बना CH3 C डबल बॉन्ड OH एसिटेल्डिहाइड। तो इस अभिक्रिया में दो कार्बन का एल्डिहाइड बनता है, एक कार्बन CH3 ग्रिगनार्ड अभिक्रमक का और एक है HCN का। तो जितने कार्बन का एल्डिहाइड बनाना है उससे एक कार्बन कम वाला ग्रिगनार्ड अभिक्रमक अपने को लेना पड़ेगा। फिर है रिएक्शन विद एथाइल फॉर्मेट। जब ग्रिगनार्ड अभिक्रमक की क्रिया एस्टर के साथ में करवाई जाती है, यहाँ पर अपने को एस्टर के रूप में लेना है फॉर्मेट यानी फॉर्मिक एसिड का डेरिवेटिव। फॉर्मिक एसिड होता है HCOH, HCOH का एक एच हटाकर उसकी जगह पर इथाइल ग्रुप लगा दिया जाए, तो ये बन गया इथाइल फॉर्मेट। एथिल फॉर्मेट की रिएक्शन जब CH3MgBr के साथ में करवाई, तो सेम रिएक्शन उसी तरह से करवानी है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। ऑक्सीजन की एन अधिक के पार्शियली नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर आएगा पार्शियली पॉजिटिव चार्ज, मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड में मिथाइल पार्शियली नेगेटिव, MgBr पार्शियली पॉजिटिव। जब मिथाइल समूह कार्बोनिल समूह के कार्बन पर अटैक करता है नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया, तो योगात्मक यौगिक का निर्माण होता है। यहाँ पर बाकी कोई चेंज नहीं करते हुए C डबल बॉन्ड O से जोड़ना है MgBr और कार्बन पर जोड़ना है मिथाइल ग्रुप। बने हुए योगात्मक यौगिक का जब अपन हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं, तो दो बार हाइड्रोलाइसिस करवाने पर CH3CHO एसिटाल्डिहाइड एथेनॉल का निर्माण होता है। तो देखा सिंथेसिस ऑफ एल्डिहाइड में दो अभिक्रियाएं याद करनी है, एक हाइड्रोजन साइनाइड के साथ में और दूसरी फॉर्मिक एसिड के डेरिवेटिव के साथ में।
जब अपन फॉर्मिक एसिड का डेरिवेटिव इथाइल फॉर्मेट लेंगे तब एल्डिहाइड का निर्माण होगा। नेक्स्ट है सिंथेसिस ऑफ कीटोन। कीटोन का निर्माण, कीटोन का संश्लेषण। कीटोन के संश्लेषण पे पहली अभिक्रिया है CH3CN मिथाइल साइनाइड। जब मिथाइल साइनाइड की रिएक्शन ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक के साथ में करवाई जाती है तो कीटोन का निर्माण होता है। अभिक्रिया CH3MgBr प्लस CH3C ट्रिपल बॉन्ड N। कार्बन और नाइट्रोजन में EN अधिक है नाइट्रोजन की। नाइट्रोजन पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज, कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज। अब इस कार्बन पर मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड का CH3- आके अटैक करेगा और MgBr नाइट्रोजन से जुड़ जाएगा। नाभिक में योगात्मक अभिक्रिया के दौरान एक योगात्मक यौगिक का निर्माण होता है। ये जो बना हुआ योगात्मक यौगिक है उसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं। जब अपन इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो H2 जुड़ा MgBr के साथ में और नाइट्रोजन के साथ में H2 और ऑक्सीजन, दो बार हाइड्रोलाइसिस करवाना पड़ेगा। अमोनिया का निर्माण होता है और साथ में बनता है एसीटोन CH3COCH3। रिएक्शन विद एथिल एसीटेट CH3COOC2H5। जब इथाइल एसीटेट की रिएक्शन मेथिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक के साथ में करवाते हैं, नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया। ये जितनी भी अभिक्रियाएं हैं वो सभी ड्राई ईथर की प्रेजेंस में करवानी है। CH3MgBr जब रिएक्शन करता है एथिल एसिटेट के साथ में तो सी डबल बॉन्ड ओ कार्बोनिल समूह के ऑक्सीजन पर जुड़ेगा MgBr और कार्बन पर आके जुड़ेगा CH3। तो योगात्मक यौगिक के रूप में बना CH3C CH3, उसके साथ में जुड़ा OMgBr OC2H5। जब अपन इसका हाइड्रोलाइसिस करवाते हैं तो हाइड्रोलाइसिस के दौरान निर्माण होगा एसीटोन का CH3COCH3। तो इस तरह से कीटोन का निर्माण दो प्रकार से होता है, एक मेथिल साइनाइड से अभिक्रिया और दूसरा एथिल एसीटेट से अभिक्रिया। सिंथेसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। जब RMGX की रिएक्शन ड्राई आइस सॉलिड CO2 के साथ में करवाई जाती है और बने हुए प्रोडक्ट का जब हाइड्रोलाइसिस करवाया जाता है तो एसिड का निर्माण होता है। CH3MgBr प्लस CO2 ड्राई ईथर की उपस्थिति में। तो CH3MgBr ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक में CH3 पर पार्शियली नेगेटिव चार्ज, MgBr पर पार्शियली पॉजिटिव चार्ज। कार्बन और ऑक्सीजन में EN अधिक है ऑक्सीजन की, ऑक्सीजन पर नेगेटिव और कार्बन पर आया पॉजिटिव चार्ज। तो न्यूक्लियोफाइल ने अटैक किया कार्बन पर और बाकी का बचा हुआ इलेक्ट्रोफाइल जुड़ेगा ऑक्सीजन के साथ में। इस तरह से जुड़े तो बनेगा C डबल बॉन्ड O, C पर CH3, इसी तरह से OMgBr। जब बने हुए योगात्मक यौगिक का जल अपघटन कराया जाता है तो H जुड़ता है ऑक्सीजन के साथ में और MgBr के साथ में जुड़ता है OH। तो निर्माण होगा CH3 C डबल बॉन्ड ओ ओ एच एसिटिक एसिड CH3COH, एसिटिक अम्ल का निर्माण होता है। सिंथेसाइज ब्रोमो बेंजोइक एसिड फ्रॉम ब्रोमो बेंजीन। ब्रोमो बेंजीन की सहायता से ब्रोमो बेंजोइक एसिड का निर्माण करना, बेंजोइक एसिड का निर्माण करना। देखिए बेंजोइक एसिड सूत्र है C6H5COH।
बेंजोइक एसिड का निर्माण करना है किससे? फेनिल ब्रोमाइड, C6H5Br से। तो पहले C6H5Br की रिएक्शन मैग्नीशियम के साथ में करवाते हैं और ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक का निर्माण करते हैं। तो ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक बनेगा C6H5MgBr, फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। जब बने हुए फेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड की रिएक्शन ड्राई आइस CO2 के साथ में करवाई जाती है, तो नाभिक स्नेही योगात्मक अभिक्रिया के द्वारा ड्राई ईथर की उपस्थिति में योगात्मक यौगिक का निर्माण होता है। सी डबल बॉन्ड ओ कार्बन से जुड़ा हुआ C6H5OMgBr। बने हुए योगात्मक यौगिक का जब जल अपघटन कराया जाता है, तो जल अपघटन के दौरान H जुड़ता है ऑक्सीजन से, OH जुड़ता है MgBr से, तो उत्पाद बना MgBrOH और निर्माण हुआ C6H5C डबल बॉन्ड OH, यानी बेंजोइक एसिड का। तो इस तरह से एग्जाम में भी अलग अलग क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें आपको ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक के दौरान अलग अलग यौगिकों का निर्माण करना आना चाहिए। तो ABCD वाले जितने भी क्वेश्चंस हैं वो इसी तरह से अपन सॉल्व करेंगे। तो अपने को एल्कोहल, कार्बोनिल कंपाउंड, एल्डिहाइड कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड, इन सब का ग्रिग्नार्ड अभिक्रमक के द्वारा निर्माण करना आना चाहिए। इसके अंदर अपने को रिएजेंट याद रखने हैं। अब सेल असेसमेंट, कन्वर्ट मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड इनटू एसिटिक एसिड। मेथिल मैग्नीशियम क्लोराइड को एसिटिक एसिड में कन्वर्ट करना, ये आपको खुद को सॉल्व करना है। क्वेश्चन किस तरह से करेंगे वो आपको खुद को कॉपी में सॉल्व करके नेक्स्ट क्लास में बताना है।